प्रायद्वीपी भारत के पठार का आपने उच्चावच का अध्ययन किया, इसके बाद हम हिमालय के उच्चावच का अध्ययन करेंगे। हिमालय की भूआकृति और उच्चावच कैसा है, आइए इस पर दृष्टि डालते हैं। सामान्य अध्ययन में आपने हिमालय से मेरे से ही काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, वहाँ पर आपकी दृष्टि काफ़ी क्लियर है ना। तो आइए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। हिमालय की भूआकृति और उच्चावच, जो भारतीय हिमालय है, यहाँ पर चित्र में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, भारतीय हिमालय नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक, है ना, नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक अविच्छिन्न रूप में लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा चोटी तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में अविच्छिन्न रूप से विस्तृत है। अविच्छिन्न का मतलब होता है कि बीच में कहीं कटा छटा नहीं है, लगातार और निरंतर रूप में विस्तृत है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के उत्तर में स्थित है, यहाँ पे इसके दक्षिण में आप देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इस क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र का मैदान है और यह गंगा का मैदान है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के उत्तर में स्थित जो हिमालय है ये चापाकार है, मतलब धनुष की तरह मुड़ा हुआ है ना। जब जीएस पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, लेकिन जब मुख्य परीक्षा के लिए हिमालय की भूआकृति और उच्चावच का अध्ययन करना है तो इसका जो फैक्ट वाला नॉलेज है ये हम एक परिचय के रूप में शुरुआत में देंगे, बिल्कुल जीएस की तरह हम इसे नहीं लिखेंगे। सारे फैक्ट हिमालय से संबंधित आप डालने लगेंगे तो आपका मुख्य परीक्षा का अध्ययन और उत्तर दोनों खराब हो जाएगा, है ना। तो मुख्य परीक्षा के लिए जब हम इसे पढ़ते हैं तो उसका ही क्रम होगा। जैसे उस क्रम के अंतर्गत मैंने क्या बताया कि जो भारतीय हिमालय है वो नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक अविच्छिन्न रूप में 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र और गंगा मैदान के उत्तर में स्थित हिमालय चापाकार है ना, और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान अर्थात उत्तर भारत के मैदान से यह एक भ्रंश द्वारा अलग होता है, भ्रंश मतलब फॉल्ट द्वारा अलग होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से यह हिमालय अग्रभ्रंश द्वारा अलग होता है, हिमालय अग्रभ्रंश, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान यानी उत्तर भारत के मैदान से यह हिमालय अग्रभ्रंश, यानी हिमालय की शुरुआत अगर यहां से है तो मैदान और हिमालय के बीच में एक भ्रंश पाया जाता है, एक फॉल्ट पाया जाता है। तो हिमालय अग्रभ्रंश अर्थात हिमालयन फ्रंट फॉल्ट द्वारा अलग होता है, इसको हम HFF भी बोल सकते हैं, है ना, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट द्वारा अलग होता है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक होती है ना, पश्चिम इसके पश्चिमी भाग की चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है जो कि लगभग 500 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है जबकि इसके पूर्वी भाग विशेष रूप से सिक्किम के पूर्व में, जब आप सिक्किम के पूर्व में देखेंगे तो पूर्वी भाग में इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत कम है जो कि लगभग 320 किलोमीटर है ना। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर हिमालय सकरा होता जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जाती है और साथ ही हिमालय के ढाल भी अत्यधिक तीव्र होते चले जाते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर हिमालय सकरा होता जाता है लेकिन ऊंचाई बढ़ती जाती है और हिमालय का ढाल भी अत्यधिक तीव्र होता जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई पर्वत जितना ही ऊंचा होगा उसका ढाल उतना ही तीव्र होगा। क्लियर। हिमालय की सबसे ज्यादा चौड़ाई नेपाल हिमालय के पास मिलती है, इसकी सबसे ज्यादा चौड़ाई कहाँ मिलती है? नेपाल में मिलती है। हिमालय की भूआकृति और उच्चावच के अध्ययन के लिए इसे पांच भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। ये पांच भाग हैं शिवालिक या वाय हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, वृहद या आंतरिक हिमालय। शिवालिक को वाय हिमालय कहते हैं और वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं, क्योंकि हिमालय चापाकार है, चापाकार है तो इसका केंद्र इधर है। जब आप एक चाप खींचेंगे तो तीन चाप अगर अलग अलग दूरियों पर खींचेंगे तो ये आंतरिक चाप है, ये बाहरी चाप है, इसलिए शिवालिक को वाय हिमालय कहते हैं और वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं। इसके अलावा ट्रांस हिमालय और उत्तर पूर्वी उच्च भूमि अर्थात पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो पांच भागों में रखकर हम हिमालय का अध्ययन करेंगे। आइए हम सबसे पहले शिवालिक को देखते हैं। हम सब कुछ लिखेंगे तो बहुत देर हो जाएगा, है ना, ऐसे लिख लिख के पूरा पढ़ाएंगे तो आधे घंटे की क्लास चले जाएगी डेढ़ घंटे तक और आपको भी उबाऊ महसूस होगा। अगर आप साफ साफ मुझे सुन पाते हैं तो मैं सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करूँगा लिखने में, बाकी आप मुझे सुनकर नोट्स भी बना सकते हैं, समझ भी सकते हैं। शिवालिक, शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है ना। शिवालिक हिमालय की बाहरी श्रृंखला है जो कि पश्चिम से पूरब की ओर सकरी होती गई है। आप ध्यान से देखेंगे तो सिक्किम के पूरब में ये काफ़ी सकरी होती चली गई है और जैसे जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती है ये काफ़ी कटी छंटी है,
ऐसा इसलिए क्योंकि लघु हिमालय अरुणाचल प्रदेश में ये लघु हिमालय से जाकर बिल्कुल सट गई है, लघु हिमालय के बिल्कुल करीब आ गई है। दरअसल पूरा का पूरा जो हिमालय है वो पूरा का पूरा हिमालय पूर्वी हिमालय सकरा हो गया है। ये तीनों श्रेणियाँ काफ़ी नज़दीक आ गई हैं, जबकि पश्चिमी भाग में देखिए तीनों श्रेणियाँ काफ़ी दूर दूर हैं, जबकि पूर्वी भाग में हिमालय की तीनों श्रेणियाँ काफ़ी नज़दीक आ गई हैं। जैसे लगता है कि किसी ने दबा दिया हो, अब किसी चीज़ ने इन्हें दबाया है वो हम आगे पढ़ लेंगे। क्लियर? तो कौन से बात के चलते ये इतना नज़दीक आ गई, ऐसा कौन सा दबाव या बल काम कर रहा था, हम आगे पढ़ेंगे। तो तीनों श्रेणियाँ काफ़ी नज़दीक है, परिणाम स्वरूप पूर्वी भाग में जो शिवालिक है वो लघु हिमालय के काफ़ी नज़दीक आ गई है और इसका स्वरूप कटा छटा हो गया है। यहाँ पे स्थानीय पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर इसका स्वतंत्र पर्वतीय अस्तित्व नहीं रह जाता बल्कि स्थानीय पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है ना। तो शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर सक्रिय होती गई है। शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर। शिवालिक की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। भारत में शिवालिक का कोई स्थानीय नाम नहीं है, इसे हम केवल शिवालिक कहते हैं। भारत में शिवालिक का कोई स्थानीय नाम नहीं है, लेकिन नेपाल में इसे धांग, दुधवा और चुरिया घाटी भारत में इसका कोई स्थानीय नाम नहीं है लेकिन नेपाल में इसे धांग, दुधवा और चुरिया घाटी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। क्लियर? शिवालिक के पर्वतपदी भागों में पर्वतपदी भाग क्या होते हैं? शिवालिक के पर्वतपदी भाग मान लेते हैं, जैसे हमने पर्वत पहले बना दिया तो ये जो शिवालिक का पर्वतपदी भाग है ना, यहाँ पे ढेर सारे गोलाश्म बिखरे हुए मिलते हैं। शिवालिक का जो पर्वतपदी भाग है यहाँ पे ढेर सारे गोलाश्म बिखरे हुए मिलते हैं, छोटे छोटे, है ना। पर्वत के आगे छोटे हैं लेकिन ऐसे इनकी आकृति काफ़ी विशाल होती है, बड़े बड़े होते हैं। तो शिवालिक के पर्वतपदी भागों में ढेर सारे गोलाश्म मिलते हैं। इन गोलाश्मों का जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन से पता चलता है कि ये गोलाश्म हिमालय के भाग नहीं है। अध्ययन से पता चलता है कि ये जो गोलाश्म है शिवालिक के पर्वतपदी भागों में ये हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि अध्ययन से पता चलता है कि इनका निर्माण हिमालय से काफ़ी पहले हो चुका था, यानी हिमालय का उत्थान होने से पहले ही यहाँ पे थे। कहाँ थे बता रहा हूँ, तो हिमालय से ये काफ़ी प्राचीन है और इनकी संरचना यानी इन गोलाश्मों के चट्टानों की जो संरचना है वो हिमालय से काफ़ी अलग है। वास्तव में ये गोलाश्म हिमालय के नीचे विस्तृत हैं, पूरे हिमालय के नीचे विस्तृत रूप में है। ये गोलाश्म जो है पूरे हिमालय के नीचे विस्तृत हैं, लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियों ने, जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, उन्होंने क्या किया है कि अपनी घाटियों का निर्माण कर दिया है, अंदर गहरी हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि पर्वतों को अपर्दित कर दिया है। अपर्दित करने के परिणाम स्वरूप वो गोलाश्मों को लेकर बाहर निकल गई हैं। नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, कल्पना पहले कर लीजिए, नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, अभी नदियों ने पहाड़ों को अपर्दित करके अपनी घाटियों का निर्माण किया, नीचे जाकर गोलाश्मों को इन्होंने ढकेल के बाहर निकाल दिया है। तो शिवालिक के पर्वतपदी भागों में ढेर सारे गोलाश्म पाए जाते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि ये हिमालय से काफ़ी प्राचीन है, ये हिमालय के भाग नहीं है, इनकी संरचना भी हिमालय से काफ़ी अलग है। ये गोलाश्म हिमालय के नीचे विस्तृत रूप में फैले हुए हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपर्दन क्रिया द्वारा हिमालय के नीचे दबे हुए इन गोलाश्मों को शिवालिक के पर्वतपदी भागों में बिखेर दिया है। क्लियर? नेपाल से निकलने वाली नदियों ने, नेपाल से बहुत सी नदियां निकलती हैं, जैसे यहाँ से ऐसे निकली, यहाँ से ऐसे, यहाँ यहाँ, है ना। तो नेपाल से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर नदियां निकलेंगी तो शिवालिक में जगह जगह गहरी घाटियों का निर्माण कर देंगी। क्यों? क्योंकि शिवालिक उठा हुआ है और नदियाँ अपर्दन क्रिया द्वारा उसमें गहरी घाटी का निर्माण कर देंगी, नीचे बहने लगेंगी। तो नेपाल से बहने वाली निकलने वाली नदियों ने शिवालिक में अनेक गहरी घाटियों का निर्माण कर दिया है। उदाहरण के लिए सिक्किम के पास तिस्सा नदी ने, है ना, इसे तिस्सा भी बोलते हैं, तिस्ता भी बोलते हैं, ये सिक्किम है। उदाहरण के लिए सिक्किम के पास तिस्ता नदी ने एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण किया है, शिवालिक को काटकर यहाँ पर एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण किया है। तिस्ता किसकी नदी है सहायक? तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश में
शिवालिक का स्वतंत्र पर्वतीय अस्तित्व समाप्त होता चला जाता है ना, अरुणाचल प्रदेश में इसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त होता जाता है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में हिमालय इतना संकरा हो गया है, तीनों श्रेणियां इतनी नजदीक आ गई हैं कि शिवालिक लघु हिमालय के बिल्कुल करीब चला गया है। इसके परिणामस्वरूप लघु हिमालय यहाँ पर स्थानीय पहाड़ियों के रूप में देखा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे यहाँ जनजातियों के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में उदाहरण के लिए पश्चिम से पूरब की ओर डफला, पश्चिम से पूरब की ओर डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। क्लियर, ये हो गया आपका शिवालिक। शिवालिक के बाद हम देखेंगे लघु हिमालय। आज तीसरा दिन है जबकि मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास ले रहा हूं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उच्चावच के बाद आज हम लोग हिमालय का उच्चावच देख रहे हैं। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। एडमिशन ओपन हुए 2 दिन हो गए और अगले 2 से 3 दिनों तक एडमिशन पूरी तरह से खुला हुआ है। 23 नवंबर तक मेरी क्लासेस, मैंने पहले भी कहा था कि डेमो के रूप में आपके सामने उपलब्ध रहेंगी। आप देख कर डिसीजन लीजिए। समय बीतते समय नहीं लगता, कब समय बीत जाता है 6-7 महीना पता नहीं चलता। अगले 6-7 महीने में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 6-7 महीनों में ज्योग्राफी ऑप्शनल समाप्त कर दूं। मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं कि एक सहायक अध्यापक होंगे जो कुछ टॉपिक्स जो सिर्फ लिखवाने वाले होते हैं। बैच में क्या है, बैच में हर टॉपिक आपका चित्र के साथ ही नहीं आएगा ना, कुछ टॉपिक होते हैं जो विशुद्ध रूप से लिखवाने वाले होते हैं। तो ऐसे लिखवाने वाले टॉपिक्स सहायक अध्यापक ले लेंगे, बाकी जितने समझाने वाले चैप्टर्स हैं लगभग 75% से अधिक भाग मैं स्वयं कवर करूंगा। तो समय बीत रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ IAS एग्जाम के लिए है। नहीं, IAS एग्जाम के लिए सिर्फ नहीं है, सॉरी, जितने भी लिखित परीक्षाएं होती हैं ये उन सभी के लिए है। जितने भी लिखित परीक्षाएं होती हैं ये उन सभी के लिए है। हिमालय का उच्चावच अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग नहीं होगा, एक ही होता है। तो जितनी भी लिखित परीक्षाएं, जैसे UPPCS है, BPCS है, MPPCS, RPCS, UPPCS, इन सभी हिंदी माध्यम से जहाँ भी आप परीक्षा देते हैं, जिन भी स्टेट में, उन सभी के लिए उपयोगी है, आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी तक पिछले 2 दिनों में लगभग 200 एडमिशन हुए, 200 से कुछ कम ही हुए हैं अभी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिनों में 1000 छात्रों का बैच बनेगा और पढ़ाने में मजा आएगा। आप सभी लोग आइए, जो लोग भी ज्योग्राफी के बारे में कभी सोचे हो कि हम ऑप्शनल लेंगे, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो किसी अन्य सब्जेक्ट की तरफ क्यों जाना, सबसे पहले मेरा चयन करिए और पढ़िए। लघु हिमालय, शिवालिक के बाद हम लघु हिमालय देखते हैं ना। अगर आप शिवालिक के उत्तर में देखिए और लघु हिमालय के मध्य में, तो आपको समतल सपाट घाटियां दिखाई देंगी। जब आप मैप में देखेंगे तो बीच में समतल सपाट घाटियां हैं। इसी तरह लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में भी बिल्कुल समतल घाटियां पाई जाती हैं। इन्हें हम समतल सपाट अनुदैर्ध्य घाटियां बोलते हैं। ये अनुदैर्ध्य घाटियां पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत हैं, लेकिन इनकी खास बात है कि अनुदैर्ध्य जो घाटियां हैं वो सिक्किम के पश्चिम में ही पाई जाती हैं। सिक्किम के पूर्व में अनुदैर्ध्य घाटियां नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि सिक्किम के पूर्वी भागों में हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं इतनी नज़दीक आ गई हैं, मतलब पूरा का पूरा भाग ऐसे वलित हो गया है खड़े ढाल के रूप में। तो इसलिए इतना नज़दीक आ गया है ये तीनों श्रेणियाँ कि यहाँ पर अनुदैर्ध्य घाटियाँ नहीं पाई जाती हैं। लेकिन पश्चिमी भाग में हिमालय खुला हुआ है, तीनों श्रृंखलाओं के मध्य समतल सपाट संरचनात्मक घाटियाँ पाई जाती हैं। तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में जो समतल सपाट घाटियाँ, उन्हें हम दून या दून और द्वार कहते हैं। तो लघु हिमालय की शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि समतल सपाट अनुदैर्ध्य घाटियाँ लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करती हैं, है ना। समतल सपाट अनुदैर्ध्य घाटियाँ लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करती हैं। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 3000 मीटर से 4500 मीटर तक है। इसकी औसत ऊंचाई, हम लघु हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में, इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर से 4500 मीटर है। लघु हिमालय के चट्टानों में जीवाश्म रहित अवसाद और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। लघु हिमालय के आंतरिक भागों में जीवाश्म रहित अवसाद पाए जाते हैं। जीवाश्म रहित अवसाद क्या होता है, क्योंकि आमतौर पर अवसादी चट्टानों में जीवाश्म जरूर पाया जाएगा, क्योंकि जब भी पहाड़ों का मलबा नदियों द्वारा काट के समुद्रों में ले जाया जाता है तो समुद्रों में उस मलबे का स्तरीकरण होता है, एक के ऊपर एक
उसे हम अवसाद कहते हैं, और जब वो अवसाद एक के ऊपर एक जमते जाने से समुद्रों में धीरे धीरे दबाव के चलते चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो उसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। चूँकि अवसाद का निर्माण हमेशा समुद्रों में होता है, जल में होता है, क्योंकि पहाड़ जब नदियों द्वारा काट के लाए जाते हैं तो अवसाद समुद्रों में ही जमा होते हैं। तो औषधीय चट्टानों में जीवाश्म जरूर पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्रों में जीव होते हैं तो उनमें वो समुद्री जीवों की हड्डियां दबती चली जाती हैं, तो उससे हमें औषधीय चट्टानें ज़्यादातर जीवाश्म प्रधान होती हैं। लेकिन लघु हिमालय में जीवाश्म रहित अवसाद और रूपांतरित चट्टानों की प्रधानता है, यहाँ की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो लघु हिमालय में जीवाश्म रहित अवसाद जीवाश्म रहित अवसाद और रूपांतरित चट्टानों की प्रधानता है ना। लघु हिमालय पीर पंजाल इसकी सबसे पश्चिमी श्रेणी है, या लघु हिमालय के सबसे पश्चिमी भाग को पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पर अतीत काल में ज्वालामुखी क्रिया हुई थी। ये जो पीर पंजाल श्रेणी है यहां पर अतीत काल में ज्वालामुखी क्रिया हुई थी, तो यहां पर ज्वालामुखी क्रिया के कारण ही कारगिल और द्रास पर्वतों का निर्माण हुआ। यहां पर अतीत काल में ज्वालामुखी क्रिया हुई थी और इसी कारण यहां पर कारगिल और द्रास जैसे पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ। इस पूरे भाग में ज्वालामुखी लावा की परत पाई जाती है, जो पूरा भाग है इस पूरे भाग में ज्वालामुखी लावा की परत पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी के पूर्व में लघु हिमालय को धौलाधार श्रेणी के नाम से जानते हैं, या पीर पंजाल श्रेणी पूर्वी भागों में धौलाधार श्रेणी के रूप में विस्तारित है। प्रमुख पर्वतीय नगर शिमला धौलाधार श्रेणियों पर ही स्थित है, है ना। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, वो धौलाधार श्रेणी पर ही स्थित है। नेपाल में लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लघु हिमालय की ढाल अत्यधिक खड़ी है, क्योंकि पूर्वी हिमालय में श्रृंखलाएं इतनी नजदीक आ गई हैं कि उनकी ढाल बिल्कुल खड़ी हो गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी ढाल अत्यधिक खड़ी है। लघु हिमालय पर दो प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, पीर पंजाल और बनिहाल, है ना। पीर पंजाल और बनिहाल नामक लघु हिमालय पर दो प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। लघु हिमालय की विशेषता है कि ये केवल गर्मियों में यहाँ पे बर्फ पिघलती है, पूरे शीत ऋतु में ये हिमाच्छादित रहता है। मुख्य रूप से जब मार्च महीने का लास्ट आता है तो गर्मियाँ शुरू होने पर ही ये धीरे धीरे यहाँ पे बर्फ पिघलती है और थोड़ा खुलापन आता है, वरना पूरे शीत ऋतु में ये हिमाच्छादित रहता है और एक बूंद पानी भी यहाँ से गिरता नहीं है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय के उत्तर में बृहद हिमालय का आकस्मिक उत्थान होता है, है ना। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में भी समतल सपाट अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम में कश्मीर घाटी, उसके पूर्व में हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी। फिर से इसे देखिए, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में भी समतल सपाट या संरचनात्मक घाटियां पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी, उत्तराखंड में फूलों की घाटी, नेपाल में काठमांडू घाटी। तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में पाई जाने वाली संरचनात्मक घाटियां कौन कौन सी हैं? कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, फूलों की घाटी और काठमांडू घाटी। तो लघु हिमालय के उत्तर में वृहद हिमालय का आकस्मिक, क्योंकि ये काफी ऊंचा है तो आकस्मिक उत्थान होता है। यह विश्व की यह लंबी
क्रमबद्ध जो वृहद हिमालय है वो एक लंबी क्रमबद्ध और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। लंबी क्रमबद्ध मतलब बीच में इसका क्रम कहीं टूटता नहीं है, क्रमबद्ध और विश्व की सबसे ऊंची। ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की कुछ प्रमुख चोटियां जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है, विश्व की कुछ प्रमुख चोटियां जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है वो वृहद हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं, है ना। उदाहरण के लिए पूरब से पश्चिम की ओर, उदाहरण के लिए पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर कौन कौन सी हैं? नामचा बरवा, कंचनजंगा मकालू एवरेस्ट, कुछ चोटियों के नाम गिरा देना है, एवरेस्ट गौरीशंकर मनसालू अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो विश्व की कुछ प्रमुख चोटियां जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है वो वृहद हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर इस प्रकार है। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 6000 मीटर है। तो नामचा बरवा इसकी सबसे पूर्वी चोटी है। यहां पर नामचा बरवा सबसे पूर्वी चोटी है जिसके समीप से ही तिब्बत से निकलने वाली सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। नामचा बरवा चोटी के समीप से ही तिब्बत से निकलने वाली सांगपो नदी या ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये जितने पर्वतीय शिखर के नाम लिखे हुए हैं ये सभी वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं। ये सभी पर्वत चोटियाँ वर्ष भर यानी साल के एक महीने भी यहाँ बर्फ मुक्त नहीं होता है, साल भर ये हिम से आच्छादित रहती हैं। क्यों? क्योंकि 6000 मीटर औसत ऊंचाई कितनी हिमालय की? 6000 मीटर है। तो ये साल भर हिमाच्छादित रहती हैं क्योंकि 6000 मीटर से ऊंचाई पर जाने पर तापमान कभी भी हिमांक से ऊपर नहीं जाता, वहाँ तापमान हमेशा हिमांक से नीचे ही रहता है। क्लियर? इसलिए सभी हिमाच्छादित रहते हैं। इनमें से अन्नपूर्णा और धौलागिरी, अन्नपूर्णा मान लेते हैं यहाँ पे है और धौलागिरी, तो अन्नपूर्णा और धौलागिरी के मध्य, इनमें से अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वत चोटियों के मध्य काली गंडक नदी प्रवाहित होती है, नेपाल से निकल कर आती है। यहाँ पे कुछ नदियाँ नेपाल से निकल कर यहाँ पे ऐसे से प्रवाहित होती हैं। क्लियर? तो इनमें से अन्नपूर्णा और धौलागिरी के मध्य गहरी घाटी में काली गंडक नदी प्रवाहित होती है। कंचनजुंगा और मकालू पर्वत चोटियों के मध्य में कोसी नदी प्रवाहित होती है। इनके मध्य में काली गंडक नदी और कंचनजुंगा मकालू के मध्य कोसी नदी प्रवाहित होती है। दक्षिण दिशा में अगर हम हिमालय की ढाल देखें, मतलब भारत की तरफ, दक्षिण दिशा में अर्थात भारत की तरफ वृहद हिमालय की धार कगार नुमा है, या वृहद हिमालय दक्षिण दिशा में अर्थात भारत की तरफ कगार नुमा ढाल बनाती है ना, ये कगार नुमा बिल्कुल खड़ा है दक्षिण की तरफ, जबकि उत्तर की तरफ इसकी ढाल अपेक्षाकृत मंद है। उत्तर की तरफ मतलब तिब्बत की तरफ वृहद हिमालय की ढाल अपेक्षाकृत मंद है और भारत की तरफ यह कगार नुमा ढाल बनाती है, बिल्कुल खड़ी है। वृहद हिमालय को कुछ ही दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है। वृहद हिमालय को कुछ ही दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है। इन दर्रों का निर्माण पूर्ववर्ती नदियों द्वारा किया गया था। हिमालय के उत्थान से पहले भी इस स्थल पर नदियां प्रवाहित होती थीं। इन पूर्ववर्ती नदियों ने ही हिमालय के उत्थान के साथ साथ हिमालय को काटकर गहरी घाटियों का निर्माण किया था, इसलिए नदियों को हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। कुछ पूर्ववर्ती नदियाँ अभी भी हिमालय पर प्रवाहित होती हैं, लेकिन अब कई पूर्ववर्ती नदियाँ अपनी घाटियों में नहीं पाई जाती हैं, तो परिणाम स्वरूप वहाँ पर दर्रों का निर्माण हो गया है जिनसे होकर हम हिमालय को पार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में या कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, कश्मीर हम कह सकते हैं, उदाहरण के लिए कश्मीर में जोजिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा, उत्तराखंड में नीतिला
मानाला और लिपलेख और भी कई इसी तरह से दर्रे हैं। सिक्किम में जेलेपला और नाथुला, अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप और बोमडिला भी कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा, इन दर्रों के माध्यम से हिमालय को पार किया जा सकता है और इन दर्रों का निर्माण हिमालय क्षेत्र में बहने वाली पूर्ववर्ती नदियों द्वारा किया गया था। हिमालय क्षेत्र में लघु हिमालय और शिवालिक की तुलना में अपर्दन का स्तर कम है। लघु हिमालय और शिवालिक में अपर्दन अधिक किया गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा ज्यादा होती है ना। लघु हिमालय और शिवालिक के क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है अपेक्षाकृत, और वृहद हिमालय में वर्षा बहुत कम होती है, बिल्कुल रेगिस्तान की तरह है, साल भर बर्फ से ढका रहता है। बर्फ से ढका है तो इसलिए भी अपर्दन यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो लघु हिमालय और शिवालिक की तुलना में वृहद हिमालय में अपर्दन का स्तर कम देखा जाता है। अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पर वन क्षेत्र भी बहुत कम मिलते हैं। वृहद हिमालय में वन क्षेत्र आपको नहीं दिखाएगा, पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, क्यों? केवल पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ पर वन क्षेत्र भी काफ़ी कम मिलते हैं। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के उत्थान से पहले हो चुका था और हिमालय से इसकी संरचना भी अलग है। ट्रांस हिमालय की संरचना हिमालय से अलग है और इसका निर्माण हिमालय के पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जास्कर क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर जास्कर, लद्दाख और काराकोरम श्रेणियां शामिल हैं। जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। लद्दाख श्रेणी पर विश्व की राकापोशी शिखर स्थित है। लद्दाख श्रेणी पर राकापोशी शिखर यहाँ पे स्थित है, ब्लू कलर का बना हुआ है, सॉरी व्हाइट कलर का बना हुआ है। लद्दाख श्रेणी पर राकापोशी शिखर स्थित है। लद्दाख जो कि विश्व की सबसे खड़ी ढाल बनाती है, राकापोशी जो शिखर है विश्व की, इसकी ढाल विश्व की सबसे खड़ी ढाल बनाती है, राकापोशी की, है ना, यानी इसकी ढाल विश्व की सबसे सीधी ढाल है, बिल्कुल एकदम खड़ी है। लद्दाख श्रेणी के उत्तर में सियोक नदी प्रवाहित होती है, सिंधु की सहायक नदी है, है ना। लद्दाख श्रेणी के उत्तर में सियोक नदी प्रवाहित होती है जो कि सिंधु की सहायक नदी है। लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में मानसरोवर श्रेणी के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे मानसरोवर श्रेणी के नाम से जानते हैं। लद्दाख श्रेणी के उत्तर में सियोक नदी है जो कि सिंधु की सहायक नदी है, और सियोक नदी के उत्तर में काराकोरम श्रेणी है। इसके उत्तर में क्या है? काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी पर भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। काराकोरम श्रेणी पूरी तरह से बेसाल्ट का बना हुआ है। बेसाल्ट मतलब ज्वालामुखी लावा के जमाव से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे बेसाल्ट कहते हैं, और बेसाल्ट चट्टानों का रंग कैसा होता है? काला होता है। बेसाल्ट चट्टानों का रंग कैसा होगा? काला होगा। तो काराकोरम का निर्माण पूरी तरह से बेसाल्ट चट्टानों से हुआ, यानी काली चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। इसका नाम इसलिए क्यों पड़ा? काराकोरम। काराकोरम का मतलब होता है काले रंग का, है ना, कारा। तो इसका निर्माण पूरी तरह से बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, इसलिए इसे कृष्णगिरी भी कहते हैं। काराकोरम को क्या कहते हैं? कृष्णगिरी। तिब्बत में इसे कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। काराकोरम श्रेणी के उत्तर में भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर है। काराकोरम श्रेणी के उत्तर में भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ट्रांस हिमालय में जीवाश्म युक्त टेथिस के अवसाद पाए जाते हैं। जीवाश्म युक्त, ये म है, युक्त टेथिस के अवसाद, है ना, इसमें जीवाश्म युक्त टेथिस के अवसाद पाए जाते हैं। पूर्वांचल पहाड़ियां, अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा के पास हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है, दक्षिण मुड़ गया है ना।
तो अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा के पास हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है, और यहाँ पर यह भारत म्यांमार सीमा के साथ साथ उत्तर दक्षिण दिशा में, भारत म्यांमार सीमा के साथ साथ उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है। यहाँ इसे पटकोईबुम, नगा, मणिपुर और मिजो पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। पटकोईबुम, नगा, मणिपुर और मिजो पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इन सभी पहाड़ियों को, या पूर्वोत्तर भारत की सीमा पर स्थित इन सभी पहाड़ियों को पूर्वांचल पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है ना। हिमालय के समीप, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा के पास हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है। यहाँ पर यह भारत म्यांमार सीमा के साथ साथ उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है। यहाँ इसे मिजो, मणिपुर, नगा, पटकोईबुम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं। इनमें से पटकोईबुम और नगा पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक का काम करती हैं, यानी दोनों देशों की नदियों को ये अलग अलग रखती हैं। कोई म्यांमार की नदी भारत में नहीं आती, भारत की नदी म्यांमार में नहीं जाती, है ना। क्यों है ऐसा? अब देखिए, म्यांमार में कई नदियां यहाँ पे लंबी लंबी प्रवाहित होती हैं, लेकिन वो भारत में नहीं आती। इसी तरह से ये ब्रह्मपुत्र नदी देखिए पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है। तो मणिपुर और जो नगा पहाड़ियां हैं, ये अच्छे जल विभाजक की भांति काम करती हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी सारामती, पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी सारामती नगा हिल पर स्थित है। यहां पर ये नगा हिल पर स्थित है। नगा हिल के दक्षिण में मणिपुर की पहाड़ियां हैं। नगा हिल के दक्षिण में मणिपुर की पहाड़ियां हैं। मणिपुर पहाड़ियों के पश्चिम में बराइल की पहाड़ियां हैं, इसके पश्चिम में बड़ा बराइल की पहाड़ियां हैं, और मणिपुर और लेमाटोल पहाड़ियों के मध्य लोकटक झील है। मणिपुर और लेमाटोल पहाड़ियों के मध्य लोकटक झील है। मणिपुर पहाड़ियों के दक्षिण में मिजो पहाड़ियां हैं। पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियां और घाटियां साथ साथ पाई जाती हैं, जैसे इस तरह की कुछ बनेगा। कैसे? पूर्वोत्तर भारत में ऐसे आ, समझ रहे हैं, ये पहाड़ी घाटी, पहाड़ी घाटी लाइन से यहाँ पे विशेष रूप से जो मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम का क्षेत्र, जब भारत का भौतिक मानचित्र देखेंगे, राजनीतिक नहीं, भौतिक, तो भारत के भौतिक मानचित्र में यहाँ पर मणिपुर और मिजोरम के क्षेत्र में यहाँ पर हरा और पीला, हरा और पीला इस तरह की लाइनें मिलेंगी। मतलब कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। तो एक लाइन से ऐसे पहाड़ियाँ और घाटियाँ साथ साथ मिलती हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में विशेष रूप से मणिपुर मिजोरम में पहाड़ियाँ और घाटियाँ साथ साथ पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, रिज वैली स्थलाकृति कहते हैं। जिसे रिज वैली स्थलाकृति अथवा कटक घाटी, अथवा कटक घाटी स्थलाकृति कहते हैं। उत्तर पूर्वी उच्च भूमि या पूर्वांचल पहाड़ियों को पढ़ने के बाद हम देखेंगे अंतर पर्वतीय संरचनात्मक घाटियां। संरचनात्मक घाटियां मतलब दो पर्वतों के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं, वो वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अंतर पर्वतीय संरचनात्मक घाटियां पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी, और उसके पूर्व में आने पर फूलों की घाटी, है ना। तो ये अंतर पर्वतीय संरचनात्मक घाटियां हैं, मतलब समतल सपाट पाई जाती हैं। इन्हें समतल सपाट अनुदैर्ध्य घाटियां भी कहते हैं। इन घाटियों की विशेषता है कि ये सिक्किम, सिक्किम घाटी के पश्चिम में ही पाई जाती हैं। सिक्किम में भी तो एक घाटी है जिसे चुंबी घाटी कहते हैं। तो ये घाटियां सिक्किम घाटी के पश्चिम में ही पाई जाती हैं, जबकि सिक्किम घाटी के पूर्वी भागों में इन अंतर पर्वतीय संरचनात्मक घाटियों की अनुपस्थिति पाई जाती है। मतलब सिक्किम के पूर्व में ये विलुप्त हो गई हैं, ये जो घाटियां हैं सिक्किम के पूर्व में विलुप्त हो गई हैं। सिक्किम के पूर्व में हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं काफी नजदीक आ गई हैं। हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं परस्पर जुड़ जाने के कारण पूर्वी हिमालय में ये घाटियां अनुपस्थित दिखाई देती हैं। शिवालिक की चौड़ाई पश्चिमी भागों में 50 किलोमीटर है। पश्चिमी भागों में शिवालिक की चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक की चौड़ाई
केवल 10 किलोमीटर रह जाती है। इसी तरह से सभी श्रृंखलाओं की चौड़ाई पूर्वी भारत में काफ़ी कम हो गई है और चौड़ाई कम होने के साथ साथ इनकी ऊंचाई काफ़ी अधिक हो गई है। पूर्वोत्तर भारत में अंतर पर्वतीय संरचनात्मक या पूर्वी हिमालय में अंतर पर्वतीय संरचनात्मक घाटियों के अनुपस्थित होने का कारण इंडियन प्लेट की प्रवाह की दिशा को माना जाता है, उत्तर पूर्व में प्रवाहित हो रहा है ना। तो पूर्वी हिमालय में घाटियों की अनुपस्थिति का कारण इंडियन प्लेट की प्रवाह की दिशा को माना जाता है। इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रहा है, अभी भी प्रवाहित हो रहा है। इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रहा है ना, यानी ये पूरा का पूरा जो इंडियन प्लेट है उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रहा है। इसके चलते पूर्वी हिमालय में दबाव अधिक था, यहाँ पे दबाव कम था, इसलिए खुला रह गया। खुला मतलब तीनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य समतल घाटियाँ पाई जाती हैं, पूरा स्पेस को दबाया नहीं गया, यहाँ पे स्पेस अभी खुला हुआ है, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। तो इसका कारण यहाँ पर घाटियाँ न हो, पूर्वी हिमालय में घाटियों की विलुप्त होने का कारण इंडियन प्लेट की प्रवाह की दिशा को माना जाता है। इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है, जिसके चलते पूर्वी हिमालय में दबाव अधिक था, जिसके चलते पूरा का पूरा क्षेत्र ही वलित हो गया, पूर्वी हिमालय में पूरा क्षेत्र ही वलित हो गया और तीनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के नज़दीक आ गईं, क्योंकि यहाँ पे दबाव काफ़ी अधिक था, परिणामस्वरूप तीनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के नज़दीक आ गईं। जबकि पश्चिमी हिमालय में तुलनात्मक रूप से दबाव कम था, यही कारण है कि यहाँ पर अंतर पर्वतीय संरचनात्मक घाटियाँ पाई जाती हैं। अभी तक आपने मेरे साथ पढ़ा हिमालय की भूआकृति और संरचना, भूआकृति और उच्चावच। इसके बाद हम प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय की संरचना का अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार यानी भारत की संरचना, भारत की संरचना में मुख्य रूप से दो ही संरचनाएं आती हैं जिनका अध्ययन करना जरूरी है, जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, यह है हिमालय की संरचना और प्रायद्वीपीय पठार की संरचना। संरचना का जब हम अध्ययन करेंगे तो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स उसमें ज़्यादा आएंगे, जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन यहाँ से सवाल हमेशा पूछा जाता है, इसका अध्ययन हम कल करेंगे। ज्योग्राफी ऑप्शनल में लगातार एडमिशन चल रहा है, आप लोग इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। एक ही नंबर दिया हुआ है, बाकी नीचे स्क्रॉल कर रहे होंगे, कुछ नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, उन नंबरों पर पूछताछ कर सकते हैं फ़ोन करके। यहाँ पर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लिखकर हमें व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप नंबर है ये, तो आपको एडमिशन प्रोसेस बताया जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नमस्कार।